हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सी अश्विनी जायसवाल और मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी डिस्कस करने के लिए। पॉलिसी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ पार्टनरशिप में। पॉलिसी डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस पॉलिसी का विज़न और ऑब्जेक्टिव क्या है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जितने भी एग्री प्रोड्यूस होते हैं उसका फेयर प्राइस मिल पाए, प्लस नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, नए इंडस्ट्री सेटअप हो और स्किल मैनपावर डेवलप हो सके। पॉलिसी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। इस पॉलिसी में कवर होता है प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, एग्री प्रोड्यूस, मिल्क रिलेटेड प्रोड्यूस, फिश प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब इस पॉलिसी के अंदर एक प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब गवर्नमेंट किस चीज पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप हो सके अक्रॉस द स्टेट, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट चाहती है कि फूड प्रोसेसिंग जोन्स डेवलप हो पाएँ, फूड प्रोसेसिंग पार्क डेवलप हो पाएँ, मेगा फूड पार्क डेवलप हो पाएँ, कोल्ड चेन फैसिलिटी डेवलप हो पाएँ और सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। ये गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटीज़ हैं। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप हों। उसके लिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए दो तरह से आपको इंसेंटिव दे रही है। एक है कैपिटल इंसेंटिव, दूसरा है इंटरेस्ट इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव में गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको 25% की कैपिटल सब्सिडी देंगे। किस चीज़ का? प्लांट एंड मशीनरी का, टेक्निकल सिविल वर्क का। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करते हो तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 10% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी मिलेगी आपको उसी चीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क का। इसके अलावा एडिशनली यूपी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है कि हम अगर 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की आपकी यूनिट है तो हम आपको 10% एडिशनल, इन दोनों के अलावा 10% एडिशनल आपको सब्सिडी देंगे कैपिटल, सेम चीज का, प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क का। ये तो हो गई हमारी कैपिटल इंसेंटिव की बात। इसके अलावा हमारे पास एक और इंसेंटिव है जो कि है इंटरेस्ट इंसेंटिव, जिसमें अगर माइक्रो और स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी आपकी तो यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपके टोटल इंटरेस्ट को सब्सिडाइज करेंगे और आपको अगले 5 साल तक उसको रिम्बर्स करेंगे। माइक्रो और स्मॉल के अलावा जो भी आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, जो भी आपने सेटअप किया होगा, उसका 7% इंटरेस्ट का 7% गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करेगी, जिसका मैक्सिमम हो सकता है 50 लाख रुपए और अगले 5 साल तक के लिए। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आपका इंटरेस्ट सब्सिडी जो है, किसी भी कंडीशन में इंटरेस्ट सब्सिडी 5 साल के अंतर्गत 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जो आपका माइक्रो एंड स्मॉल के लिए 100% सब्सिडी था इंटरेस्ट का और उसके अलावा बाकियों के 7% तक के इंटरेस्ट की सब्सिडी थी, वो टोटल 5 साल में 2.5 करोड़ रुपये ही हो सकता है। अब ये तो हो गई यूनिट सेटअप करने के लिए। इसके अलावा भी इस पॉलिसी में दो चीज़ों पे खास प्रायोरिटाइज किया गया है, वो है रिफर व्हीकल्स और प्री कूलिंग व्हीकल्स को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो। अगर आप इन दोनों को प्रमोट कर रहे हैं तो इसके लिए भी अगर आप लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 7% तक का इंटरेस्ट आपका सब्सिडाइज करेंगे इन फॉर्म ऑफ रिइंबर्समेंट 5 साल तक के लिए 50 लाख रुपये तक का। अब इसके बाद आते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन पे। अगर हम अपने एग्री प्रोड्यूस को, यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जो भी हमारा प्रोड्यूस निकलेगा फाइनल प्रोड्यूस, उसको अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं या हम वो मैकेनिज्म सेटअप करें कि हमारे जो भी प्रोड्यूस हैं वो ग्लोबली
स्टैंड कर सकें और उस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन को हम अपने यहाँ सेटअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे मैक्सिमम, और या 50% तक की आपके कॉस्ट को रिम्बर्स करेंगे। उस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को सेटअप करने की कॉस्ट को हम 50% तक आपको सब्सिडाइज करेंगे। अगर आप अपने प्रोड्यूस का पेटेंट कराते हैं या प्रोड्यूस निकालने की जो भी तरीके हैं उस डिज़ाइन का पेटेंट कराते हैं, तो आपके टोटल पेटेंट कॉस्ट का 75% गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको रिम्बर्स करेंगे, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 1.5 लाख रुपए तक की। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रांड को या अपने प्रोड्यूस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उसको स्पेशली प्रमोशन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको सैंपल अलग अलग कंट्रीज़ में भेजना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप सैंपल भेजते हैं तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको 2 लाख रुपये तक के लिए हम रिम्बर्स करेंगे पर कंट्री, ठीक है। प्लस एक्सपोर्ट के लिए खास इनिशिएटिव है कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होगा कि आप अपने यूनिट से सामान को जो भी आपकी प्रोड्यूस होगी उसको आप भेजोगे सी पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा आपका। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्रांसपोर्टेशन टोटल आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अपने यूनिट से सी पोर्ट तक भेजने की उसका 25% हम आपको रिम्बर्स करके देंगे, जो कि मैक्सिमम हो सकता है किसी भी साल में 10 लाख रुपये तक का, और ये 3 साल तक आपको मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है और इंसेंटिव है एक्सपोर्ट के लिए खास करके। अब क्या होता है कि हम जब इतनी बड़ी यूनिट सेटअप करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं तो हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की 50% कॉस्ट गवर्नमेंट रिम्बर्स करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी में डाला है कि 50% कॉस्ट को रिम्बर्स करेंगे, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 5 लाख रुपए तक का। अब ये था पूरा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के बारे में जो यूपी गवर्नमेंट की है, उसको हमने पूरा आपको डिस्कस करके पूरा पॉइंट्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए रेलिवेंट थे उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पेज पे जो लास्ट हमारा पेज है उस पे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।